हेलो एवरीवन एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं किंजल स्टडी वॉली इमिग्रेशन से एक बार फिर हाजिर हो चुकी हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। सो आज मैं दो बड़ी अपडेट देने जा रही हूँ कनाडा की तरफ से। जो सबसे पहली अपडेट है वो सेंट क्लेयर कॉलेज की तरफ से है, ठीक है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। एंड जो दूसरी अपडेट है वो जेनी जैन की तरफ से है। जेनी जैन इज़ अ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ कनाडा, ठीक है। वो जो चेंजेस हुए हैं कनाडा में उन चीज़ों के खिलाफ हैं। उनका मानना ये है कि ये चीज़ें कनाडा को ही इफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें सेंट क्लेयर कॉलेज की। तो सेंट क्लेयर कॉलेज का कहना ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर जो रोक लगी है उसकी वजह से उनको 40 मिलियन कैनेडियन डॉलर का लॉस हो सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, और 40 मिलियन एक पब्लिक कॉलेज के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है, आप सोच सकते हैं। उनका कहना ये है कि पब्लिक कॉलेज की जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग आती है उनको वो भी बहुत कम होती है, और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स उनके पास कम है इसलिए उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नीड होती है। उनका कहना ये है कि वो 1000 की अकोमोडेशन बना रहे थे स्टूडेंट्स के रहने के लिए, लेकिन अब उन्होंने वो बंद कर दिया है। इसका रीज़न वो ये देते हैं कि वो देखना चाह रहे थे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन चेंजेस का उनके कॉलेजेस के ऊपर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना कोटा मिलेगा उनको, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को वो एडमिशन दे पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इस कॉलेज की तरफ से अपडेट आई है, जो स्टेटमेंट आया है, ये सिर्फ इसी कॉलेज की तरफ से नहीं, और भी जितने पब्लिक कॉलेजेस हैं कनाडा में उन सब की प्रॉब्लम अभी ये चल रही है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि वो 2 से 3 साल तक इस चीज़ों को डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं चीज़ों के साथ, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन इनको भी चाहिए। दूसरी अपडेट की अगर हम बात करें, जिमी जैन जो कि इकोनॉमिस्ट हैं कनाडा के, ही इज़ अ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ कनाडा, सो ये क्या करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जो भी न्यू पॉलिसी आती है कनाडा में ये उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कनाडा की इकोनॉमी पर, ठीक है। सो इनका कहना ये है कि इमिग्रेशन से या स्टूडेंट से हाउसिंग क्राइसिस का कोई लेना देना नहीं है। इमिग्रेंट्स ज़्यादा ले लिया है ये प्रॉब्लम नहीं है, इमिग्रेंट्स कंस्ट्रक्शंस में कम है इनके पास, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल देकर एक समझाया है कि क्यूबिक में जैसे एक स्कीम चल रही है दैट इज़ हाइड्रो क्यूबिक प्लान, उसमें 36,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की नीड थी, ठीक है। 36,000 बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, इसमें बहुत से स्टूडेंट प्लेस हो सकते थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कैपिंग जब से हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर कम आएंगे तो जो भी आपके पब्लिक कॉलेजेस हैं उनको फ़ंड नहीं मिलेगा, उनको रिवेन्यू जनरेट नहीं होगी। सो उनका मानना ये है कि डोमेस्टिक जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो रहते हैं स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी जिसकी वजह से वहाँ के लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत बड़ा। सो वो अपनी इकोनॉमी देख रहे हैं, वो कनाडा की इकोनॉमी को देखते हुए चीज़ें बोल रहे हैं। सो कोई ना कोई ज़रूर अपडेट आएगी कनाडा से, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है जिमी जैन का। सो स्टूडेंट्स बी अपडेटेड, और आप भी अगर कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। इसी के साथ हमारी कंपनी आपको फीस आफ्टर वीज़ा का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ स्टडी वॉली इमिग्रेशन, या फिर आप कोई भी क्वेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टडी वर्ल्ड।